मथुरा में नगर निगम चुनाव को लेकर परसीमन और आरक्षण को लेकर प्रक्रियाएं चल रही हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक 15 अक्टूबर तक यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद शासन के निर्देशानुसार नगर निगम मथुरा वृंदावन चुनाव कराने के लिए तैयार रहेगा। मथुरा में नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट उठनी शुरू हो गई है। बता दें कि परसीमन और आरक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अनन्य झा ने बताया कि वर्ष 2019 में नगर निगम की सीमा से 20 नए गांव जोड़े गए थे, जिन्हें लेकर इस बार परसीमन कराया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद उसे शासन तक भेज दिया जाएगा। परसीमन प्रक्रिया के बाद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी शासन की गाइडलाइन के तहत शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि 15 अक्टूबर तक परसीमन और आरक्षण दोनों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद शासन के निर्देशानुसार नगर निगम चुनाव को लेकर नगर निगम प्रशासन तैयार रहेगा। जैसा आपको अवगत है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम में प्रेजेंट में 70 वार्ड हैं, जिसका परिसीमन वर्ष 2017 में हुआ था, जब यहाँ पे नगर निगम बना ही था और यहाँ पे पहली बार चुनाव हुए थे। उसके बाद वर्ष 2019 में लगभग 20 गांव और जोड़े गए हैं नगर निगम सीमा में, जिसमें देवी आटस, बड़ी आटस, सुनरक, मुकुंदपुर, मदनपुरा, राजपुर, बांगर इत्यादि इसमें हैं, सम्मिलित हैं, जिसका परिसीमन इस बार किया जा रहा है। हमने अनंतिम परिसीमन कर शासन को भेजा था, जिसका 15 जुलाई को उस अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन हुआ था, और जो आपत्ति आई वो 27 जुलाई तक आई। अगस्त माह में हमने दो बार इसकी बैठक की है आपत्तियों की। आपत्तियों का निस्तारण आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाना है। नगर निगम में अभी तक 70 आपत्तियाँ आई हैं परिसीमन को लेकर, और इसको फाइनल, इसको रूप, अंतिम रूप देने के लिए हमने इस हफ्ते इसको हम करके वापस शासन को भेज देंगे, जिससे इसका प्रकाशन हो सके। जब अंतिम परिसीमन का प्रकाशन हो जाता है, उसके बाद शासनादेश अनुरूप आरक्षण की प्रक्रिया की जाती है वार्ड वाइज, और जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है, नवसृजित विस्तारित क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या लगभग 30,000 है, तो उसमें भी जो हमारे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति या OBC की, उन सबको लेते हुए शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप हम लोग आरक्षण की प्रक्रिया करेंगे। जो मेरा अनुमान है कि हम परिसीमन और उसके उपरांत आरक्षण लगभग 15 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया हम लोग समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम रेडी रहेंगे नगर निगम चुनाव करवाने। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।